बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम ईओबीआई के दोस्तों, आज आपके साथ एक खुशखबरी शेयर करेंगे। वज़ीर आज़म के मशीर जनाब सैयद ज़ुल्फ़िकार बुखारी साहब ने अगले साल यानी 2021 से ईओबीआई पेंशन में इजाफा का ऐलान किया है। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग देते हुए फरमाया कि ईओबीआई के तहत रजिस्टर्ड कारकुनों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन यानी कंप्यूटराइज करने के बाद इन अदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो अपने वर्कर्स की ईओबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। उन्होंने मजीद कहा कि गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन बढ़ाकर और फंड्स का दुरुस्त इस्तेमाल करके वर्कर्स की बहबूद के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएगी ताकि वर्कर्स और पेंशनर्स की जिंदगी में बेहतरी लाई जा सके। पीटीआई गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि वो अपने दौरे हुकूमत के आखिर तक ईओबीआई कम से कम पेंशन 15,000 रुपए महाना तक बढ़ा देगी। पीटीआई हुकूमत ने पहले मरहले में ईओबीआई पेंशन 5,250 रुपए महाना से बढ़ाकर 6,500 रुपए महाना करती थी। दूसरे मरहले में 1 जनवरी 2020 से 2,000 रुपए महाना इजाफा के साथ 8,500 रुपए करती थी। अब स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जनाब ज़ुल्फ़ी बुखारी साहब ने ऐलान किया है कि 2021 से ईओबीआई पेंशन मबलग 10,000 रुपए महाना कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पीटीआई हुकूमत ने बेहतर मैनेजमेंट के जरिए ईओबीआई आमदन में खातरखा इजाफा किया है। पीटीआई के पहले दो साल में ईओबीआई की आमदन 23 अरब रुपए तक बढ़ी है, जिसे मजीद बढ़ाकर अगले साल 25 अरब रुपए तक किया जाएगा, जबकि ये आमदन पीपीपी के दौर में 10.4 अरब रुपए और मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में 15.5 अरब रुपए थी। उन्होंने मजीद बताया कि ईओबीआई की प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सोयो मोटो के बाद नैब के कब्जा में चली गई थी, जिनमें से 4 वापस ले ली गई हैं और बाकी के लिए कोशिशें जारी हैं। दोस्तों, ईओबीआई पेंशन 10,000 रुपए महाना करने के लिए किसी खास तारीख का ऐलान तो नहीं किया गया है। ज्यादा अमकान यही है कि ये इजाफा अगले साल के आगाज ही से होगा। तमाम ईओबीआई पेंशनर्स को पेशगी मुबारकबाद। अल्लाह हाफिज।